Television button. अरे तुम्हें जब भी देखो टीवी के सामने बैठे रहते हो, कुछ काम वाम है कि नहीं? मैडम जी, मैं सोनी एंटरटेनमेंट देख रहा था, और आपको पता है इस 15 अगस्त को इंडियन आइडल का फिनाले है, और आप जरूर देखना। अच्छा अच्छा, मैं ये शो अपनी फैमिली के साथ जरूर देखूंगी। वो तो अच्छा है, 15 अगस्त को मेरी नाइट ड्यूटी नहीं है। वो नाइट शिफ्ट की मैटर नहीं क्या? अभी तक तो नहीं आई, पता नहीं देर होगी उनको। देखो मैं जा रही हूँ, उनसे कहना रेनू का खास ध्यान रखे, उस बिचारी की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। जो जैसा करता है ना वैसा ही बढ़ता है, पता नहीं उसे नींद कैसे आती है। रेनुका तुम यहीं बैठना, ठीक है? कहीं जाना मत, हाँ? कहीं मत जाना। रेनुका दीदी ने गन शूटिंग कंपटीशन में एक और ट्रॉफी जीत ली। अरे भाई वाह, दिखा दिखा जरा मुझे। वाह कितने सुंदर है, हमारी बेटी का गन शूटिंग में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राहुल राहुल के बच्चे मोटे, रुक अभी बता देती हूं तुझे तो मैं मारूंगी मैं। रुक रुक, माफ माफ, मैंने तुझसे कहा था ना कि पापा को ट्रॉफी मैं दिखाऊंगी, क्यों दिखाई तूने? तो क्यों हुआ दीदी, अब अपनी अगली ट्रॉफी बता देना, क्योंकि जब तक आप कंपटीशन में, कोई और का कोई ट्रॉफी जीतने वाला है। बिल्कुल ठीक, हमारी बेटी जो है दीदी। राहुल राहुल दीदी।
राहुल 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 दीदी राहुल 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 दीदी रेनुका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज फिर से उसे दौरे पड़े। बार बार इस तरीके के दौरे आना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर आपकी बात। जी रेनुका तुम ठीक हो? मैं नर्स को बुलाता हूँ। अभी मैं नहीं हूँ अंकल। अंकल मुझे यहाँ से बाहर निकाल। अंकल मैं पागल नहीं हूँ। आप मुझे बस मुझे जानते हैं अंकल। अंकल मैं पागल नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ रहूंगी ना तो पागल हो जाऊंगी। अब पता है मुझे आजकल क्या क्या दिखने लग गया? क्या दिखने लगा? आत्माएं हाँ मम्मा की पापा की रावण की। मैंने सब घुमारा था ना, अब सब मुझे बदला लेने आ रहे अंकल। मैं रेनुका मेरी बात सुनोगी प्यार से? देखो रेनुका, आत्माएं बात्माएं कुछ नहीं होती। होते हैं तो सिर्फ तुम्हारे और हमारे तरह के इंसान, जैसे तुम हो जैसे मैं हूँ। और एक बार इंसान मर जाता है ना
फिर कभी वापस नहीं आता वो, समझी ना मेरी बात। मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहीं रहना होगा। यू नो कोर्ट में अगर तुम्हारा वकील तुम्हें पागल साबित नहीं करता तो या तो अब तक तुम्हें फांसी की सजा हो चुकी होती या उम्र कैद। तो फांसी होना अच्छा अंकल। नहीं करते। होश में आओ। देखो अगर तुम इसी तरह से उल्टी सीधी बहकी बहकी बातें करती रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एंड यू नो इट, ये हॉस्पिटल वाले जो है ना ये तुम्हें शौक पर शौक देते रहेंगे। शौक देते तो देने दीजिए, मार डाले दीजिए, वो भी मुझे मारने आए ना राहुल, तू मुझे मारने आए ना, मौत की दुनिया में नहीं ले जाएगा, बुरा तो नहीं जाएगा। कोई तुम्हें नहीं मार सकता, मैं नर्स को मार देगा। रेणुका कूल डाउन, कोई तुम्हें नहीं मार सकता। मुझे मार देगा, वो मुझे मारेगा, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। काश मैं तुम्हारे दर्द को कुछ कम कर सकता रेणुका, पर अफसोस मेरे बस में जितना है वो कम। थैंक यू काका। काका मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है मालिक, अब हमारी सारी उम्मीद आपसे ही जुड़ी हुई है। पता नहीं है हंसते खेलते परिवार पर किसकी बुरी नजर पड़ गई, सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो गया। जो होना था सो हो गया। मेरी कोशिश यह है कि रेणुका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए मैं उसे घर के पास वाली क्लिनिक में शिफ्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, क्लिनिक में नहीं मालिक, कैसे भी करके उन्हें घर ले आई है, उन्हें वहां से रिहा करवा दीजिए। उन पर लगे सारे इल्जाम गलत है, भला एक औरत अपने परिवार वालों की हत्या कैसे कर सकती है। नहीं काका, जो सच है वो सच है, खून तो रेणुका ने ही किए हैं, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उसे कम से कम सजा मिले। जज साहब, रेणुका जी का इस मानसिक चिकित्सालय में ठीक तरह से इलाज नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मुझे उन्हें किसी अच्छी जगह पर भर्ती करने के लिए अनुमति दें। योर ऑनर, सभी मानसिक अपराधियों और कैदियों को इसी क्लिनिक में भेजा जाता है, यहाँ के डॉक्टर्स बेहद काबिल हैं, तो फिर रेणुका जी को किसी और क्लिनिक में भेजने की क्या जरूरत है, ये भेदभाव क्यों?
ये भेदभाव नहीं है जसाब, ये बात है मरीज के अच्छे होने की। और वहां मरीज का अच्छा होना तो दूर, रेणुका की हालत दिन ब दिन और भी बिगड़ती जा रही है। यहां तक कि उसे अपने मरे हुए परिवार वालों की आत्माएं दिखाई देने लगी। आत्माएं नहीं, रेणुका जी की आत्मग्लानी, हर गिल जो बार बार उनके सामने आता रहता है। रेणुका अगर ठीक भी हो गई तो या तो उसे फांसी की सजा होगी या उम्र भर की कैद। पर जैसा, सिर्फ इसलिए कि रेणुका एक अमीर परिवार से है, हम उसे दूसरे क्लिनिक में नहीं भेज सकते। रेणुका का इलाज इसी क्लिनिक में होगा। एंड दिस मीटिंग इज एडजर्न्ड। मैं तो कहता हूं एक बार फिर से सोच लीजिए जज साहब, अगर रेणुका को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी हम सब लोगों की होगी। क्या कह रहे हैं? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो?
फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस समय मिस रेणुका की मौत हुई उस समय उनकी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी। उनके इतने बड़े बिजनेसेस, शेयर्स और देश भर में फैली प्रॉपर्टीज के पेपर्स बनाने के लिए मुझे पूरे 3 महीने का वक्त लगा। मिस्टर अभिमन्यु, आपकी लगन और जीत और मेहनत को देखते हुए हम सभी ने डिसाइड किया है कि मिस रेणुका कुमार का बिजनेस अब आप ही संभालेंगे। ये लीजिए, पावर ऑफ अटॉर्नी। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा बिजनेस संभालने के लिए इस वक्त मैं तैयार हूं, इसलिए मेरा सुझाव है कि क्यों ना हम एक ट्रस्ट क्या हुआ अभिमन्यु, तुम ठीक तो हो? I'm okay. मैं ठीक हूं। No problem. You please continue. Continue, please, please. हेलो रिसेप्शन। वो जो लड़की तुम्हारे सामने बैठी हुई है, कौन है वो? सर, वो जॉब इंटरव्यू के लिए आई है, आपके सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए। सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए? जी सर। पर क्या हुआ सर? क्या नाम है उसका? एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी। जी, आपने अपना नाम क्या बताया था? योगिता। योगिता सर? योगिता। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, मैं यहाँ काफी बिजी हूँ, तुम प्लीज डू नॉट कॉल मी, मुझे अंदर फोन मत करना। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूंगा। हमें तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। थैंक यू वेरी मच। एनीवेज, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। बाय। थैंक यू जेंटलमैन। थैंक यू। बाय बाय। Yes, John. Tell me. अच्छा, तुम पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई? हाँ हाँ, नहीं मैं पहुंचता हूं अभी। ओके, टेक केयर। सिक्योरिटी, वॉचमैन। रेणुका, रेणुका, नहीं 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 नहीं, वो लड़की, लड़की। सॉरी सर, आप डर गए क्या? सर, मैं तो वॉशरूम से आ रही थी। नहीं नहीं सर, आप ठीक तो है ना? हाँ, I'm all right, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। तुम जाओ, go, go is go, सब ठीक है। Yes सर, ये मेरी फाइल है। Okay सर, वैसे तो मैं MBA हूँ, लेकिन आप जानते हैं ना, आजकल नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है। योगिता, I'm extremely sorry. मैं तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकता। सर, सर मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। सर प्लीज। देखो योगिता, प्लीज तुम रो मत, मुझे कल ऑफिस में फोन करना, मैं सोच समझ के बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सर, सर।
क्या बात है? हाँ। बहुत थके हुए लग रहे हो। ऑफिस में काम कुछ ज्यादा पड़ गया है क्या? करी, तुम तो जानती हो कि ऑफिस की क्या हालत है। सारे दिन मीटिंग्स हैं, फाइल्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं। खैर, वो मार्था आंटी आ गई कि नहीं बच्चों की देखभाल के लिए? वो मार्था आंटी की तबीयत ठीक नहीं। ओह नो, एक मिनट करी, कैसे करेंगे बच्चों का? देखो मेरी बात सुनो, लौटते हुए इस पार्टी से 2-3 बज सकते हैं, और फिर तुम्हें मालूम है कि ये बिजनेस पार्टी है। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने नई लड़की रख ली है बच्चों के देखभाल के लिए। नई लड़की? अच्छा किया। क्या नाम है उस आया का? अरे उसे आया मत कहो, उसकी उम्र है कोई 18-19 साल की होगी बस। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें कहाँ मिल गई? मिली कहाँ, वो खुद ही काम मांगने आई थी। शायद उसे कहीं से पता चल गया होगा कि मार्था आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ है वो? ऊपर। कोयल, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं पापा, हम तो बस खेल रहे थे। बेटा ऐसे खेल नहीं खेलते बच्चे। जाओ जाकर भैया की रस्सियां खोलो। गो। कोयल सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जाओ और जाकर भैया की रस्सियां खोलो। गो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या मम्मी, तुम कोयल को डांट कर रहे हो? मम्मी, पापा हमें खेलने ही नहीं दे रहे। मैडम आप अभी तक पार्टी में नहीं गए? अभिमन्यु ये प्रिया है, हमारे जाने के बाद यही बच्चों का ख्याल रखेगी। गुड इवनिंग सर। जब भी आपकी पत्नी आपसे कहे कि बस बहुत हो चुका और मत पियो, आप हमेशा कहो ये आखिरी है। ये भी आखिरी है। और अभी मैं भी आखिरी लेने जा रहा हूं। अरे बस करो मनु, और कितने पियोगे? बस ये आखिरी है। तुमने पिछले ड्रिंक के वक्त भी यही कहा था कि ये आखिरी है। बट आई प्रॉमिस इसके बाद नहीं, आखिरी है। ठीक है। एक विस्की ऑन द रॉक्स। मुझे बचा लीजिए अंकल, मुझे प्लीज बचा लीजिए अंकल। क्या बात है डॉक्टर साहब, कोई सीरियस बात तो नहीं ना? उनके दिमाग में कोई बहुत ही गहरा बोझ है। बोझ? जी हाँ, हो सके तो कुछ दिनों के लिए उन्हें शहर से बाहर कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाइए। मैं तो उन्हें कब से कह रही हूँ कि काम के अलावा अपनी सेहत की ओर भी ध्यान दो, पर वो कभी मेरी सुनते ही नहीं। माने माने कृपा माने माने
कोयल, बंटी, कृपा, कोयल मेरी बच्ची, बंटी मेरे बच्चे, बंटी बंटी started. Wow. जहां सबकी शुरुआत हुई थी। तो कृपा की गाड़ी है। कृपा कृपा बंटी, कोयल, कृपा, कृपा, बंटी, कोयल, कहाँ तुम लोग? कृपा, कृपा, कृपा बंटी, ऊपर आओ ना अभिमन्यु अंकल, सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ना जाने कहां चले गए लोग। कौन है वहां? कृपा, बंटी, कृपा, 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 मैं हूं तुम्हारा अभिमन्यु। जाने दो मुझे। छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ दो मेरी पत्नी को, छोड़ दो, क्यों बांध रहे हो उनको? छोड़ो, छोड़ो मुझे। चलाइए अंकल, गोली चलाइए, ये चलाइए अंकल, गोली चलाइए अंकल। कुछ याद आया? रेणुका, घंटी की आवाज सुनकर निशाना लगाइए अंकल। भगवान के लिए ऐसा मत करो रेणुका। मैंने कहा गोली चलाइए। रेणुका, 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 प्लीज मैं तुम्हारे यहाँ हाथ जोड़ता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता रेणुका, रेणुका मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज। इस खेल से अब आपको कोई नहीं बचा सकता। एक एक करके आपको सबको मारना होगा। चलाइए गोली। मैंने कहा गोली चलाइए अंकल। No!
ये सब क्या हो रहा है मनु? पापा ये एक मेरा ऐसा गुनाह है जिसकी सजा जितनी मिले उतनी कम। रेणुका के पिताजी मिस्टर कुमार की दौलत पर मेरी शुरू से बुरी नजर थी। जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ता गया, दौलत बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरी लालच भी उनके पैसे को पाने के लिए बढ़ती गई। और फिर एक दिन वो लालच इतनी बढ़ गई कि मैंने रेणुका के परिवार को किडनैप करके खत्म करने का प्लान बना लिया। चलो चुपचाप चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, मैं गोली नहीं चलाऊंगी, मुझे कोई गेम नहीं खेलना। गेम नहीं खेलोगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उस घंटे की आवाज पर तुम गोली चलाओ। तुम्हें 3 गोलियां चलानी है। और हाँ, ज्यादा चालाकी नहीं, समझी? उसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ला। इस तरह मैंने रेणुका के गोली चलाने के हुनर का इस्तेमाल करके इसी के हाथों इसके घर वालों का खात्मा करा दिया, ताकि उस सारी दौलत का मैं मालिक बन सकूं। उसके बाद मैं रेणुका को भी मार देना चाहता था, और जब मैंने देखा कि ये तो अपने होशो हवास वैसे ही खो बैठी, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, तो मैंने इसे पागलखाने में भर्ती करा दी। और फिर उसके बाद मैंने रेणुका को और पागल बनाना शुरू कर दिया। यहां तक कि मैंने अपने आदमियों को आत्माएं बनाकर इसको डराना शुरू किया।
एक दिन तंग आकर रेणुका ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और वो सारी दौलत मेरी हो गई। मुझे शर्म आ रही है मनी कि मैंने तुम जैसे पापी से शादी की। चंद रुपयों के लिए तुमने किसी का हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। पर मुझे माफ कर दो, दौलत की हवस ने मुझे अंदर बना दिया था। मार डालो मुझे रेणुका, मार डालो मुझे। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें अपने ही नहीं रहे, अपनों का प्यार ही नहीं रहा। किल में सोचो, तुमने मेरे हाथों उन्हीं को मरवा डाला जिन्होंने मुझे जन्म दिया था। रेणुका, रेणुका प्लीज किल मी, मार दो मुझे। मैं गुनाहगार हूं तुम्हारा, मैं गुनाहगार हूं तुम्हारा। नहीं, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, यही तुम्हारी सजा है। तुम हर दिन मरोगे, हर पल मरोगे। तुम्हारी ये जिंदगी सारी दुनिया के लिए सबक होगा। आईना से कोई भी इंसान अपने दोस्त की पीठ पे छुरा भोंकने से पहले 100 बार सोचेगा। रेणुका, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दो। दिल दिल करी लगोगी 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 घड़ी 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 लगोगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।